नमस्कार साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगले वीडियो में राजस्थान की अवस्थिति के विस्तार के बारे में चर्चा की जाएगी, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। तो सर्वप्रथम राजस्थान का नामकरण कि राजस्थान का नाम किसने क्या दिया, किसने क्या दिया, तो सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान का नाम दिया मरुकांता, जिसके बाद 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का नाम दिया राजपूताना, फिर 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में राजस्थान का नाम राजस्थान दिया, और संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम राजस्थान दिया गया। तो हम पढ़ेंगे नामकरण, राजस्थान का नामकरण। सर्वप्रथम नाम क्या दिया राजस्थान का, मरुकांता। उसने दिया महर्षि वाल्मीकि। फिर 1800 ईस्वी में राजपूताना, राजपूताना नाम किसने दिया राजस्थान का, जॉर्ज थॉमस ने, यानी राजाओं का शासन होने के कारण इसका नाम राजपूताना दिया गया, जॉर्ज थॉमस। फिर 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। फिर 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। अब करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल यानी 342,239.7 वर्ग किलोमीटर, 342,239.7 किलोमीटर स्क्वायर, और राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग में है राजस्थान का क्षेत्रफल 132-140 वर्ग मील। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का 10.40% है,
यानी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है और विश्व के क्षेत्रफल का 0.05% है। फिर ये बात करके राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जर्मनी और जापान के बराबर है, इंग्लैंड से 2 गुना, चेक और स्लोवाकिया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 13 से 17 गुना बड़ा है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और जापान के बराबर, जर्मनी और जापान के बराबर बराबर इंग्लैंड से 2 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इजराइल से 13 से 17 गुना बड़ा, इजराइल से 13 से 17 गुना बड़ा है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति कैसी है? समकोणीय चतुर्भुजाकार। राजस्थान की आकृति समकोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। ये पता है किसने? टीएच हैंडलिंग, टीएच हैंडलिंग के अनुसार राजस्थान की आकृति चतुर्भुजाकार, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। राजस्थान की स्थिति यानी राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो स्थिति राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम राजस्थान भारत पश्चिम में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23° 3' उत्तर से 30° 12' पूर्वी अक्षांश, 23° 3' पूर्वी अक्षांश से 30° 12' उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो
राजस्थान का अक्षांशीय अंतर यानी अक्षांशीय अंतर अंतर है तीस डिग्री बारह में से 23 डिग्री और 3 का टाइम अंतर 23 डिग्री 3 का टाइम अंतर 60 डिग्री 9 तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतर है 60 डिग्री 9। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर और राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित बिंदु है कोणा गांव। राजस्थान की उत्तरी नहीं उसको बाद में पढ़ेंगे देशांतरी विस्तार देशांतरी विस्तार राजस्थान का देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से पचहत्तर डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 872 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 872 किलोमीटर। राजस्थान का देशांतरी अंतर यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर 70 डिग्री 17 मिनट अंतर है तो देशांतरी अंतर देशांतरी अंतर 8 डिग्री 47 मिनट। अब हम बात करेंगे राजस्थान की उत्तरी सीमा पर कौन सा बिंदु है दक्षिण सीमा पर कौन सा बिंदु है पूर्वी सीमा पर और पश्चिमी सीमा पर यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है बांसवाड़ा मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 85 किलोमीटर लंबाई 85 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित बिंदु है कोणा गांव।
उत्तरी सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों ये है राजस्थान का मैप। तो राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित बिंदु है कोणागा, श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर में कोणागा स्थित है। राजस्थान की दक्षिण की सीमा पर स्थित गांव गोरमुंडा, ये है बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों ये डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा पर सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है, तो बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती है। वही उत्तर में कोणागा में श्रीगंगानगर, यहाँ सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है, सबसे तिरछी किरणें पड़ती है, सबसे तिरछी किरणें पड़ती पड़ती है। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई 826। तो राजस्थान के पूर्वी सीमा में स्थित गांव सिलाना गांव, ये कहां पड़ता है? धौलपुर में, धौलपुर। और पश्चिमी सीमा पर स्थित गांव है कटरा गांव, जैसलमेर, कटरा जैसलमेर। तो सब सिलाना धौलपुर, यानी पूर्व में सूर्य उदय होता है, सर्वप्रथम उदय होता है सूर्य धौलपुर में और अस्त भी धौलपुर में ही होता है। तो सबसे पहले सूर्य उदय व अस्त, सबसे पहले सूर्य उदय, सूर्य उदय व अस्त। और सबसे पहले सूर्य उदय व अस्त होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये राजस्थान की अवस्थित एवं पार्ट वन है। राजस्थान की अवस्थित विस्तार का दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे, जिसमें राजस्थान के पड़ोसी राज्य उनकी बात करेंगे। दूसरे पार्ट में राजस्थान की अवस्थित विस्तार क्लियर हो जाएगा।